शाहरुख खान इस वक्त काफी बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। शाहरुख का पूरा ही परिवार काफी ज्यादा तनाव में है। वजह है उनकी बड़ी बेटी आर्यन खान। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी। इसी पार्टी का हिस्सा बने हुए थे आर्यन खान। एनसीबी की टीम ने उस रेव पार्टी पर छापेमारी की। आर्यन के अलावा कई और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। 3 अक्टूबर के दिन आर्यन खान से ड्रग्स मामले में कई घंटों तक पूछताछ की गई और बाद में आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन खान की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। शाहरुख और गौरी तमाम कोशिशें करते हुए देखे जा रहे हैं अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए। जहां एक ओर गौरी खान मन्नतें मांग रही हैं अपनी बेटी की रिहाई के लिए। गौरी खान का रो रो कर बुरा हाल है। शाहरुख खान ठीक से खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं। दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। जहां एक ओर शाहरुख खान इस वक्त काफी बुरे दौर का सामना कर रहे हैं, वहीं इससे पहले भी शाहरुख की जिंदगी में ऐसे कई बार बुरे दौर देखने को मिले हैं जब शाहरुख अंदर से टूटते हुए नजर आए हैं। अपने दिल के दर्द को शाहरुख ने अपने इंटरव्यूज में भी बयां किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आज हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जब शाहरुख ने अपने दिल के दर्द को छलकाया। शाहरुख ने बताया कि कैसे उनका परिवार अंदर से टूट चुका था, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और आज दुनिया भर में किंग खान के नाम से मशहूर हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए शाहरुख की जिंदगी से जुड़े एक और दर्द भरे राज के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और उनका परिवार इस वक्त काफी बुरे दौर का सामना कर रहा है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बीते पिछले 2 हफ्तों से बंद है। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में अपनी हिरासत में लिया था। वहीं 8 अक्टूबर के दिन मुंबई किलाकूट के मजिस्ट्रेट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद 20 अक्टूबर के दिन मुंबई सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आर्यन के वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 26 अक्टूबर के दिन आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। वहीं आर्यन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आर्यन की न्यायिक हिरासत अब 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 30 अक्टूबर तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। जेल में आर्यन खान की हालत कैसी है जिसे जानकर हर किसी का दिल टूट रहा है। शाहरुख और गौरी तमाम कोशिशें कर रहे हैं अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए। शाहरुख के बेटे आर्यन जो काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन आज जेल की 4 दीवारों में बंद है, जहां पर वह खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं। आर्यन खान जेल में किस तरह से दिन और रात बिता रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा है। आर्यन का जेल में रहना मुश्किल होता जा रहा है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि आर्यन जेल के अंदर रोते रहते हैं, खाना पीना भी वह नहीं खा रहे हैं, जिससे कि उन्हें वॉशरूम ना जाना पड़े, जिससे कि वह जेल के वॉशरूम यूज ना करें। आर्यन खान को लेकर हर छोटी छोटी डिटेल रोज सामने आ रही है। जेल के अंदर वह बाकी सभी कैदियों की तरह रह रहे हैं, लेकिन वह यही कहते रहते हैं कि वह निर्दोष है। खबर ये भी है कि आर्यन के कुछ ना खाने पीने और वॉशरूम ना जाने को लेकर स्टाफ उनके हेल्थ और हाइजीन को लेकर परेशान है। कहा जा रहा है कि आर्यन को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है और वह बिस्कुट और पानी से पेट भर रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्यन खान में धीरे धीरे बदलाव भी आ रहे हैं। दरअसल जेल में शाम के 7 बजे
आरती होती है और उस आरती में आर्यन रोजाना शामिल होते हैं। जब तक ये आरती पूरी नहीं हो जाती है तब तक आर्यन मंदिर में ही खड़े रहते हैं। परिवार की तरफ से 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर आर्यन को मिल चुका है, जिससे कि वह जेल की कैंटीन से अपना मनपसंद खाना लेकर खा सके। वहीं शाहरुख खान भी अपने बेटे आर्यन से जब जेल में मिलने उनसे पहुंचे, उस दौरान आर्यन और शाहरुख एक दूसरे को देखकर काफी बुरी तरह रोए भी हैं। शाहरुख ने उन्हें विश्वास दिलाया है। शाहरुख को उन पर ये विश्वास भी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वहीं आर्यन ने शाहरुख से माफी भी मांगी है। इसी दौरान देखा जाए तो शाहरुख की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पुराने राज भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें जानने के भी जो हर किसी को इमोशनल कर देने वाले हैं। शाहरुख खान ने अब तक अपनी जिंदगी में कई बार विवादों का सामना किया है। ये विवाद जब जब शाहरुख खान याद करेंगे तब तब ये विवाद उन्हें दर्द ही देंगे। जहां एक ओर आज शाहरुख खान अपनी बेटी के लिए तरस रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे आर्यन जेल से रिहा हो जाएं, वहीं एक वक्त शाहरुख खान अंदर से टूटकर बिखर गए थे जब उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उस घटना ने शाहरुख खान और उनके पूरे ही परिवार को तोड़कर रख दिया था। शाहरुख ने साल 2012 में अपने इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने पिता की तरह नहीं मरना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता को सबसे सफल फेलियर बताया था। शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में अपने पिता के निधन के बाद उनकी जिंदगी में जो खालीपन आया था उसे बयां किया। शाहरुख ने कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी सी है, कुछ अजीब सा है जिसे मैं एक्टिंग से भरने की कोशिश करता हूँ। शाहरुख के पिता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई थी और जब उनका निधन हुआ उस वक्त शाहरुख महज 15 साल के थे। जहां एक तरफ शाहरुख खान अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे अपने पिता के निधन से, वहीं दूसरी ही तरफ ड्राइवर ने उनके पिता की बॉडी को गाड़ी में घर पर लाने से इनकार कर दिया था। दरअसल उस वक्त उन्हें ड्राइविंग करने नहीं आती थी, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने गाड़ी चलाई, पिता को घर तक लेकर पहुंचे। गाड़ी में उनके साथ उनकी माँ भी मौजूद थी। उनकी अम्मी ने उनसे पूछा कि तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? शाहरुख ने जवाब दिया, बस अभी। वहीं पिता के निधन के बाद शाहरुख की बहन को बेहद गहरा सदमा लगा, वह बेहोश तक हो गई। 2 सालों तक उनकी बहन पिता को खोने के सदमे में रही और बाद में डिप्रेशन में चली गई। शाहरुख ने खुद को मजबूत किया, घर परिवार की जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला। शाहरुख ने बताया कि डिप्रेशन ना हो इसलिए वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिए, एक्टिंग करते रहे। दरअसल उनका कहना था कि वह अपने पिता की तरह एक अनजान बनकर नहीं मरना चाहते। उन्हें अपने पिता पर गर्व था। वह मानते थे कि उनके पिता के अंदर कहीं ना कहीं फेलियर को लेकर एक डर था। इस तरह से शाहरुख ने अपने दिल के दर्द को बयां किया। शाहरुख अपने पिता पर गर्व महसूस आज भी करते हैं और शाहरुख की जिंदगी का ये दर्द भरा सच हर किसी की आंखों को नम कर देता है। शाहरुख खान हमेशा ही अपनी माँ और पिता को याद करते हुए देखे जाते हैं। बता दें आपको, शाहरुख खान की माँ का नाम है लतीफ फातिमा खान। शाहरुख की माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं शाहरुख आज के समय में अपने बच्चों की परवरिश के जरिए हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आते हैं। शाहरुख ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव का उन्होंने डटकर सामना भी किया है।
सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे शाहरुख अपने पिता के गुजर जाने के बाद अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। अपने इंटरव्यू के जरिए उन्होंने तमाम बातों को शेयर किया और आज भी शाहरुख अपने पेरेंट्स को याद करते हुए देखे जाते हैं, तो वहीं अपने तीनों ही बच्चों पर भरपूर प्यार लुटाते हुए भी नजर आते हैं। शाहरुख का हर एक अंदाज फैंस के दिल को जीत लेता है और आज जिस तरह से शाहरुख बुरे दौर का सामना कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में उनके चाहने वाले उनके साथ खड़े हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे उनका सहारा बने हुए हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।